हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। वैसे यहाँ पर इस वीडियो में आपको इसी Vivo V29 5G स्मार्टफोन के टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा, ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दो एप्लीकेशन को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके थ्री फिंगर को ऊपर लेकर जाना है, नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं। अब मान लो आप दो एप्लीकेशन के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। फास्ट डबल क्लिक करेंगे, दो एप्लीकेशन के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। और आप यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस स्टाइल में आपको यहाँ पर दिखता है, आप इस पर क्लिक करके इसको इस स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको 6-6 एप्लीकेशन दिखते हैं एक ही साथ में। अगले फ्यूचर के लिए थ्री फिंगर को नीचे लेकर आएंगे, गॉट इट पर क्लिक करेंगे दो बार, उसके बाद आप जब भी थ्री फिंगर को नीचे लेकर आते हैं स्क्रीनशॉट लग जाता है। वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन, इन दोनों बटन के ऊपर क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद यहां पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये देख लीजिए। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है। अगले फीचर के लिए आपको आना दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। आई प्रोटेक्शन आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर वार्म हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को ज्यादा कम भी कर सकते हैं। ये क्या है, अब मान लो आप इसको ऑफ करके रात में स्मार्टफोन को यूज करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाएंगे, ब्लू लाइट्स जाने से आपको नींद नहीं आएगी, आपकी नींद को किल करते हैं वो ब्लू लाइट्स, इसलिए रात में स्मार्टफोन को यूज करते वक्त इसको ऑन करना। ऑन करने के बाद आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे दोस्तों, फिल्टर होते हैं वो ब्लू लाइट्स। यहां पर शेड्यूल पर सेट कर लेना, जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों सेटिंग्स में आके इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर डार्क थीम मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको भी एनी टाइम ऑन करके यूज करना, मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। नीचे आने के बाद फाउंट एंड डिस्प्ले साइज में आपको आना है। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो इतने होते हैं ये फाउंट्स, आप मैक्सिमम इतने बड़े कर सकते हैं अपने फाउंट्स को, यहाँ पर मैं लार्ज कर लेता हूँ इतना। इसके अलावा नीचे आने के बाद बोल्ड टेक्स्ट, मतलब आपके जो फॉन्ट्स हैं उसको आप बोल्ड में भी लेकर आ सकते हैं, ये देख लीजिए, आप ये करना चाहे कर लीजिए। इसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब आप कॉन्ट्रास्ट में भी लेकर आ सकते हैं अपने फॉन्ट्स को, ये आप करना चाहे ये भी कर सकते हैं दोस्तों। बैक आने के बाद इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद फॉन्ट स्टाइल में आपको आना है, यहाँ पर टिक करके एग्री हो जाना है। यहाँ पर आप क्लासिक फॉन्ट्स आपको ये अच्छे लगते हैं तो इसको आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड मोड पर क्लिक करके स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स यहाँ से डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं, आपके पूरे फोन के फॉन्ट्स ही उसी स्टाइल में हो जाते हैं दोस्तों। अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आके आता हूँ इस तरह से। नीचे आपको स्टेटस बार में आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन मेथड है, आप यहाँ पर करेंगे नन तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर यहाँ पर कुछ भी नहीं बताएगा नोटिफिकेशन की निशानी। नंबर्स करेंगे तो 5 एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पर 5 बोलकर क्वान्टिटी दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे आइकन्स तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आए उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर बताएंगे। इसके बाद शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करके आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है हर सेकंड आपको यहां पर ऊपर बताएगा, इसको ऑन कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज को भी यहां से ऑन कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आता हूं, आपको इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद यहां पर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है, आप मैक्सिमम इसमें 120 हर्ट्ज पर इसको सेट कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज करने से आपका स्मार्टफोन स्मूथ चलता है। उसके बाद इसी सेटिंग में आपको विजुअल एनहांसमेंट में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आप थर्ड क्लास क्वालिटी का वीडियो देख रहे हैं तो वो भी थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा और कलर्स वगैरह थोड़ा इनहांस होंगे। अगले फ्यूचर के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है, कॉलर आईडी एंड स्पैम, इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना, आपको जो भी कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे, स्पैम कॉल वगैरह आता है तो आपको पता चलता है दोस्तों। एक स्टेप बैक आने के बाद ब्लॉकेड नंबर्स में आता हूं, यहां पर अननोन को ऑन करता हूं। अभी जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। यहां पर एड ए नंबर पर क्लिक करके जो नंबर यहां पर डायल करके यहां पर ब्लॉक करेंगे वो नंबर ब्लॉक लिस्ट में पड़ जाता है, उससे भी आपको कॉल
नहीं आता, आप यहाँ से इसको अनलॉक भी कर सकते हैं दोस्तों। और मैं आता हूँ बैक, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एकदम नीचे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट में आना है, अनाउंस कॉलर आईडी पर क्लिक करके इसको ऑलवेज पर सेट कर लेना है। आपको कॉल आता है तो किसका कॉल आ रहा है उसका नाम आपको स्पीकर में सुनाई देगा। अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके यहाँ पर आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स में यहाँ पर एम्बिएंट लाइट इफेक्ट में आना है, इसको ऑन कर लेना है। म्यूजिक को आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर ड्यूरेशन भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं, 1 मिनट तक लाइट इफेक्ट रहे या 5 मिनट, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यूजिक एप्स, मतलब इन एप्लीकेशंस में आप म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो लाइट इफेक्ट आएगा, और म्यूजिक लाइट इफेक्ट मतलब म्यूजिक प्ले करने के बाद कैसे आए लाइट इफेक्ट वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो लाइट इफेक्ट आता है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरह से आता है, इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स, इसको ऑन करके लाइट इफेक्ट फॉर इनकमिंग कॉल्स, मतलब कॉल आने के बाद भी एक एड लाइटिंग आप सेट कर सकते हैं, लाइट इफेक्ट सेट कर सकते हैं, उसके कलर को इफेक्ट को आप यहाँ पर चेंज कर लेना जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे है नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करके नोटिफिकेशंस ऐप्स में आता हूँ, कौन से एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन आने के बाद वो लाइट लगे एप्लीकेशंस को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, आपने कर लिया। और यहाँ पर डिफरेंट लाइट रख सकते हैं आप नोटिफिकेशंस के लिए, आप यहाँ पर उसको भी सेट कर लेना। अभी नोटिफिकेशन के लिए इस तरह से लाइट इफेक्ट आएगा, और कॉल्स के लिए इस तरह से आएगा लाइट इफेक्ट, म्यूजिक के लिए कुछ इस तरह से आएगा। इसी डायनेमिक इफेक्ट सेटिंग में आपको यहाँ पर मिलता है फिंगरप्रिंट आइकन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट सेट करके रखे हैं तो एक लॉक स्क्रीन पर एक आइकन बताता है, उस आइकन के स्टाइल को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन, मतलब आप फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। उसके बाद इसी सेटिंग में आपको यहाँ पर नीचे मिलता है चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, मतलब आप चार्जिंग लगाने के बाद ना इफेक्ट, वो इफेक्ट को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करने के लिए जब हम आएंगे सेटिंग्स में, आता हूं इस तरह से नीचे, आपको यहां पर नोटिफिकेशंस में आना है, यहां पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहां पर दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको आना है इस तरह से नीचे नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है, यहां पर भी फिलहाल तो आप लॉक करके देखेंगे तो आपको कोई भी मैसेजेस वगैरह आते हैं तो यहां पर लॉक स्क्रीन पर दिखता है। आपको ओटीपी भेजकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है इस तरह से रहेगा, तो इसलिए आपको क्या करना है डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करना है। आपने कर लिया तो लॉक स्क्रीन पर रहने के बाद कौन से ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं आपको नहीं दिखेगा, मैसेज भी नहीं दिखेगा। इसको अनलॉक करके यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आना पड़ेगा, तब आप देख सकते हैं उस नोटिफिकेशन को दोस्तों। उसके बाद उसके ठीक नीचे यहाँ पर है वेग स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को तो नोटिफिकेशंस आते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद नीचे है यहाँ पर ऐप आइकन बैडजेस, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर नोटिफिकेशन की निशानी कुछ भी नहीं बताएगी। आप यहां पर करेंगे नंबर्स तो क्वांटिटी बताएगा, डॉट करेंगे तो एक डॉट बताएगा, आप नंबर्स कर लेना। एग्जांपल आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशन आते हैं तो व्हाट्सएप के ऊपर 50 बोलकर लिखा हुआ दिखेगा। दोस्तों अगले फ्यूचर की बात करने के लिए हम जब आते हैं सेटिंग्स में, आता हूं इस तरह से नीचे, आपको यहां पर सिक्योरिटी में आना है। उसके बाद गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से स्कैन कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से आपके फोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहां पर आपको स्कैन करके बताता है। एक स्टेप बैक आके एकदम नीचे आता हूं इस तरह से ऐप पिनिंग में आता हूं, यहां से इसको ऑन कर लेना है, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करके यहां पर उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके पिन पर क्लिक करके इसको दे सकते हैं गॉट इट पर क्लिक करके। अभी बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। आप इसको अभी ले लिया स्मार्टफोन को, अभी इसको निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद अनलॉक करना है आपको, ये जो लॉक हो जाएगा आपका स्मार्टफोन उसको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप दूसरा एप्लीकेशन यूज कर सकेंगे। अगले फ्यूचर के लिए हम आएंगे दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में, यहां पर आता हूं वापस से सिक्योरिटी में, उसके बाद यहां पर नीचे आता हूं प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आपको आना है। यहां से आप पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप नंबर जो रखना चाहे रख लेना, उसके बाद आप नेक्स्ट आना। यहां पर चलिए यहां पर मैं पिन रख लेता हूं, यहां पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा। उसके बाद आप यहां पर ऐप इंक्रिप्शन में आना है, ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करके इसको यहां पर जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना है, उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया, अब यहां पर मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा तो ये लॉक पूछता है कुछ इस तरह से। और अगले फ्यूचर की बात करने के लिए इसी सेटिंग्स में आके, इसी सिक्योरिटी में आके, इसी
प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से उसको अनलॉक कर लेता हूँ। उसके बाद ऐप हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशन को हेड भी कर सकते हैं। बस कौन से एप्लीकेशन को हेड करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, वो हेड हो जाएगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। अगली फ्यूचर की बात करने के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आता हूँ। आप वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं इस फोन में, ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा आपको इसी नोटिफिकेशन पैनल में एस कैप्चर बोलकर एक कमाल का फीचर मिलता है। यहाँ पर आप रीसाइज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हो गया। और इसके अलावा इसी एस कैप्चर में और हम देखें तो फनी स्क्रीनशॉट भी आप इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग शेप में आप यहाँ पर ये ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर किस शेप में आपको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर के ऊपर हम क्लिक करें तो यहाँ पर और देखें तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, बाकी पूरा नहीं करना है। तो आप इतना सेलेक्ट करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जितना बॉक्स आपको ये दिख रहा है उतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये भी आप कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसकी क्वालिटी को हाई कर लेना, उसके बाद माइक की सेटिंग करना चाहे वो भी कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगले फ्यूचर के लिए आएंगे इसी नोटिफिकेशन पैनल में, यहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब आपको मिलता है। इसको ऑन करेंगे तो आपको मैसेज कॉल आता है तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और फोन की रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग्स में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर पेंसिल मिलता है, यहाँ पर और भी बहुत सारे बटन आप इस तरह से ड्रैग करके इसको ऊपर ले सकते हैं। एक्स्ट्रा डिम को भी मैं ले लेता हूँ ऊपर, फोकस मोड को भी ले लेता हूँ ऊपर। तो चलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया, और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होगा। इसके अलावा फोकस मोड में आप आकर एक एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन, चार एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको टर्न ऑन कर लूँगा एप्लीकेशन को सेलेक्ट करके। अभी एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशन भी नहीं आएंगे यहाँ पर। अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आता हूँ। इस तरह से नीचे आपको मिलता है यहाँ पर शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, आपको इस सेटिंग में आना है, स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर दो बार इस तरह से शेक करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आपको आना है, स्मार्ट आंसर को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कान के पास से फोन को निकालेंगे तो ये ईयर स्पीकर बंद हो जाएगा, ये मेन स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट म्यूट को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते तो फ्लिप कर देना है फोन को, रिंगटोन म्यूट हो जाएगा लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा वो। उसके बाद आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो फोन को आपको छूने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी फोन को रखें तो ऊपर से बस इतना करना, थोड़े दूर से ही इतना करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। और आता हूं दोस्तों एक स्टेप बैक, स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आता हूं। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखें फोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपको जहां पर भी होम स्क्रीन पर खाली जगह दिखता है डबल टैप करते हैं तो लॉक हो जाता है। अगले फ्यूचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आता हूं। इस तरह से नीचे इसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आता हूं, यहां पर क्विक एक्शन में आता हूं। अभी फिलहाल तो आप लॉक करके वॉल्यूमनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाता है, एक और बार लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जाता है। आप इसमें दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं, ओपन ऐप पर क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन को भी आप यहां पर सेट कर सकते हैं। आप यहां पर जो एप्लीकेशन सेट करेंगे तो वॉल्यूमनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके आप लॉक करके अपने वो एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट वही एप्लीकेशन इस तरह से ओपन हो जाता है। अगले फ्यूचर के लिए भी इस फोन के सेटिंग में आके आता हूं। नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में इजी टच में आता हूं, इसको ऑन कर लेता हूं। यहां पर इस तरह से एक आइकन निकल कर आता है, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को यूज कर सकते हैं, एप्लीकेशंस को सर्च कर सकते हैं और एप्लीकेशंस आप इसमें ऐड करके रख सकते हैं। कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके, प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस यहां पर आप ऐड करके रख लेना। आपने ऐड करके रख लिया, अभी आप कुछ भी यूज कर रहे हैं तो तुरंत आप इस पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन को यहां से आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसके स्टाइल को भी आप यहां पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है ये देख लीजिए। तो चलिए और एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। आप इसको ऑन करेंगे तो आप वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस ब्यूटी होगा, खूबसूरत दिखेगा। और बैक आने के बाद फ्लैश नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, यहाँ पर इनकमिंग कॉल्स को ऑन कर लेना। कॉल आने के बाद जो पीछे फ्लैशलाइट है वो भी लगेगा। और नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी में आता हूँ। यहाँ पर
सेलेक्ट टू स्पीक, आपको इसको ऑन कर लेना है। अलो पर आपको क्लिक करके गॉट इट पर क्लिक कर देना है। सेटिंग पर क्लिक करके इन दोनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना लैंग्वेज भी यहाँ पर सेट कर लेना। आपने कर लिया, अब ये मैसेज है आपको पढ़ना नहीं आता तो आप इस पर क्लिक करके उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। इतना सेलेक्ट कर लेना, उस वो मैसेज खुद आपको पढ़कर सुनाएगा, ये देख सकते हैं। ये देख लीजिए, आपको पढ़ना नहीं आता तो इसके जरिए से आप पढ़ सकते हैं। एक स्टेप बैक आता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है इस तरह से। यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेसिबिलिटी मेनू, आपको इसको भी ऑन कर लेना है। अलाउ पर क्लिक करना है, गॉट इट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर थ्री डॉट निकल कर आते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इतने सारे फीचर्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। पावर ऑफ कर सकते हैं और वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट यूज़ कर सकते हैं, रिसेंट एप्स रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से लॉक कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन पैनल को लेकर आ सकते हैं, किस किस ऐप से नोटिफिकेशन आए वो देख सकते हैं, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले फीचर के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आता हूँ। इस तरह से नीचे आपको मिलता है यहाँ पर सिस्टम, आपको इस सिस्टम में आना है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन है, ये बैक बटन इधर मेनू बटन इधर लेकर आना चाहे तो आप इस पर क्लिक करके बैक बटन इधर मेनू बटन इधर लेकर आ सकते हैं, और पूरे बटन्स को ही हेड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसी सिस्टम नेविगेशन में आकर जेस्टर नेविगेशन पर क्लिक करके यहाँ पर बटन्स को हेड कर सकते हैं। इस और इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, होम बटन ये रहा, और नीचे से इस तरह से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये मेनू बटन होगा। अगले फीचर के लिए होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करते हैं, होम सेटिंग्स में आता हूँ। होम स्क्रीन स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आप स्टैंडर्ड मोड करेंगे तो सारे एप्लीकेशन इसी होम स्क्रीन पर मिलेंगे आपको यहीं पर, और ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। लॉन्ग प्रेस करते हैं अगले फीचर के लिए, होम सेटिंग्स में आता हूं। यहां पर राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके शेप को आप हम बदल सकते हैं। यहां पर ये देख लीजिए, इसके अलावा आप हमसे साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं आपके एप्लीकेशंस के, तो चलिए करना चाहिए कर लेना। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहां पर मिलता है स्वाइप डाउनवर्ड्स ऑन होम स्क्रीन, यहां पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर पर इसको सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आता है। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है ये नहीं आना चाहिए, तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, होम सेटिंग में आएंगे, गूगल डिस्कवर को ऑफ करेंगे तो अभी ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है थीम, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा थीम जो आपको मिलता है इसको आप अप्लाई करके यूज करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले थीम्स डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो थीम अच्छा लगता है इसको डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना, आपके पूरे फोन का लुक ही चेंज हो जाता है। इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है यूआई कलर, आपका जो यूआई है उसके कलर को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जो आपको कलर अच्छा लगता है इसको आप यहाँ पर सेट कर लेना, पूरे यूआई कलर आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए भी हम आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में, यहाँ पर आता हूँ एप्स में, उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन टाइम में आप आके सुबह से लेकर अभी तक कितने मिनट्स और कितने घंटे फोन को यूज किया है वो देख सकते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप क्लोन मिलता है, मतलब इन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, बस इसको ऑन करना होता है वो डुअल हो जाते हैं, एप्लीकेशंस दो हो जाते हैं। और अगले फीचर के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से एक माउस लेना है और इस तरह से एक OTG भी लेना है। इन दोनों के परचेस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वायरलेस माउस लेना, काफी मजा आता है वायरलेस माउस से, और यहाँ पर माउस के साथ ये कनेक्टर आता है ठीक है, और इसको अभी OTG से इस तरह से लगा लेना है। यहाँ पर मैं चार्जिंग की जगह आपको अभी लगा लेना है, और ये देख सकते हैं अभी माउस से आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये देख लीजिए पूरे माउस से यहाँ पर मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन को, या आप इस तरह से करना चाहें कर सकते हैं, काफी मजा आता है दोस्तों। इस तरह से आप माउस के जैसे यूज करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन को, पूरा फोन ही आप फोन को बिना टच किए यूज़ कर सकते हैं माउस से। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो पंचल में जो आपको लाइटिंग दिख रही है ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको यहाँ पर क्रोम में आके यहाँ पर रिंग रिंग APK सर्च करना है, सर्च करके बहुत सारे वेबसाइट में आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशन देना है। जैसे आपने सारे परमिशन दे दिया ये ऑफ रहता है, इसको ऑन कर लेना है। इस कंट्रोलर से आप अपने छोटा बड़ा कर सकते हैं इस रिंग को, इस कंट्रोलर से अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस रिंग को, ये हो गया। उसके बाद आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पर सिंगल कलर को सेलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना चाहते हैं उस कलर को सेलेक्ट कर लेना है, ओके पर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से ये सेट हो जाता है। दोस्तों एक और कमाल का तगड़ा एक प्रोडक्ट बताऊंगा आपको मैं इसी स्मार्टफोन से जुड़े हुए, यहाँ पर देख लीजिए इसको भी परचेस कर लेना, परचेस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैमरा प्रोटेक्टर है, इसको परचेस कर लेना, परचेस करके किसी भी चीज से अपने कैमरा के ऊपर इस तरह से इसको
चिपका देना, काफी तगड़ा दिखेगा। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, वैसे आपने देख लिया होगा दोस्तों इसी Vivo V29 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा फीचर्स। आप इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उस प्लेलिस्ट में आप जाकर इसी स्मार्टफोन के बारे में और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।